खबर बरेली से, जहां जाट रेजिमेंट सेंटर में चल रही अग्निवीर रिलेशन कोटा भर्ती में मंगलवार को फर्जी दस्तावेज लगाकर दो लोगों ने भर्ती होने का प्रयास किया। इस दौरान जब उनकी बायोमेट्रिक फिंगर्स टेस्टिंग की गई तो पता चला कि दोनों लोग पहले किसी दूसरे नाम और पते के साथ सेना भर्ती के लिए प्रयास कर चुके थे। इसके बाद सेना ने पूछताछ के बाद आरोपियों को कैंट पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 13 सितंबर को जाट रेजिमेंट सेंटर में अग्निवीर रिलेशन कोटा भर्ती के संबंध में आवेदकों के शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्र दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान जनपद आगरा के थाना खंदौली के गांव भूड़ नगरिया निवासी धर्मराज पुत्र बलवीर सिंह और इसी थाना क्षेत्र के गाँव मदनपुर मुस्तकिल निवासी रंजीत सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह भर्ती होने के लिए आए थे। शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ जब उनका बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट लिया गया तो पता चला कि दोनों युवक 2021 में सेना की भर्ती देख चुके हैं और तब उनके नाम और पते अलग थे। शक होने पर जब सेना और आर्मी इंटेलिजेंस ने उनके साथ पूछताछ की तो पता चला कि धर्मराज पुत्र बलवीर सिंह के नाम भर्ती देखने वाले युवक ने 2021 में कन्हैया लाल पुत्र गोपी चंद निवासी आगरा बनकर सेना भर्ती देखी थी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।